बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदकर। दिल्ली की बात इस वीडियो में करेंगे, दिल्ली एमसीडी चुनावों की बात। देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। चूंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो रिजर्व्ड जो सीट्स होंगी उसकी लिस्ट पूरी जारी कर दी गई है, और उसके साथ ही माना ये जा रहा है कि अब बहुत जल्द चुनाव आयोग जो है वो राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और ये पूरी संभावना है इसी कि इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर के महीने में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो सभी जगहों से जो दावेदार हैं वो अपनी संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं, क्योंकि ये पहला चुनाव होगा दिल्ली में जब तीनों एमसीडीज को मर्ज करने का जो फैसला है हाल ही में किया गया है। और इस फैसले के बाद ये पहली बार दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जो सरगर्मी है वो तेज़ हो गई है। और पहले से ही जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, और किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले कई दिनों में अलग अलग मुद्दे लेकर बीजेपी आई आम आदमी पार्टी को घेरने के, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा शराब घोटाले का रहा है, जिस पर पूरी तरह से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर। और यहाँ पर एमसीडी चुनाव की जब दिल्ली की बात होती है तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज़ है, जबकि बीजेपी का कब्जा है दिल्ली एमसीडी पर। और इस लिहाज से भी ये जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और जो आरक्षित सूची जारी की गई है, लिस्ट बाकायदा जारी की गई है कि कौन कौन से जो वार्ड्स हैं वो रिजर्व्ड रहेंगे, रिजर्व्ड सीट के लिए रहेंगे, वो आपको हम बता देते हैं। इस बार नगर निगम 250 वार्ड होंगे नगर निगम के जिन पर चुनाव होना तय है, जिसमें 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, और इन 42 में से 21 पर महिलाओं को दावेदारी पेश करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 21 पुरुष वार्ड रहने वाले हैं। और इसी तरह 208 वार्ड्स की अगर हम बात करें, बाकी 208 वार्ड्स की बात करें तो इसमें 104 वार्ड पुरुषों के लिए तय किए गए हैं और 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि जो संभावनाएं हैं वो कुछ और थी, और कई बदलाव भी इस बार किए गए हैं, यानी कि जो सीटें पहले रिजर्व नहीं हुआ करती थी इस बार उन सीटों को भी रिजर्व कर दिया गया है। कुछ एससी एसटी सीट्स हैं जो कि अलग से आरक्षित की गई हैं, तो एक पूरी लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। और अब माना ही जा रहा है कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद जो संभावनाएं हैं वो जो वहां के स्थानीय दावेदार हैं अलग अलग पार्टीज के वो अपनी तलाशने लग गए हैं और पूरी कोशिश में जद्दोजहद में जुट गए हैं कि उन्हें पार्टीज की तरफ से टिकट दिया जाए। हालांकि अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है कि तारीख वो कौन सी होगी, ऐलान कब होगा चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर, और क्या वाकई में इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर में होने वाले हैं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव।